वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वकास फ्रॉम क्यू सिनेमास। मैं आज एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ रिलेटेड टू बाबी मूवी। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम के ऊपर आ रही हैं कि हम वो मूवी स्पेसिफिकली बाबी क्यों नहीं प्ले कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस जो कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इम्पोज़ की गई हैं, उस वजह से हम ये बाबी मूवी प्ले नहीं कर रहे हैं। सो एज सुन एज जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शंस क्लियर हो जाएंगी और हमें क्लियरेंस आ जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो डेफिनेटली वो मूवी हम प्ले कर रहे होंगे। मीनवाइल बाकी मूवीज़ जो हैं वो हमारे सिनेमास में प्ले हैं। आप प्लीज़ आइए, उसको इन्जॉय कीजिए और हमारी ऐप और वेबसाइट को फॉलो करते रहें, क्योंकि हम जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगी हम बारबी के शोज़ उसके बाद दोबारा ऑन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। विकास और आप देख रहे हैं टॉक विद विकास। नाज़रीन, यहाँ पे अक्सर आप मूवी प्रीमियर और ड्रामा रिव्यूज़ के हवाले से वीडियो देखते रहते हैं। आज मैं पाकिस्तान के नंबर वन सिनेमा में मौजूद हूँ, विच इज़ लोकेटेड इन गुलबर्ग लाहौर, अंडर द नेम ऑफ क्यू सिनेमा। बारबी मूवी की नाज़रीन बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी, अनफॉर्चुनेटली क्यू सिनेमा में नहीं दिखाई जा रही। आज हमारे साथ मौजूद है जनरल मैनेजर ऑफ क्यू सिनेमा, इनसे पूछते हैं कि बारबी मूवी ऑन एयर ना करने की, प्ले ना करने की वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाउ आर यू सर? ऑल गुड जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, बारबी आप क्यों नहीं प्ले कर रहे? बारबी के ऊपर जी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से हम उसको प्ले नहीं कर रहे। जैसे ही हमें कोई क्लियरेंस मिलेगी तो डेफिनेटली उसको हम प्ले कर रहे होंगे। सर, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे कि अदारे का नाम अभी आप कॉन्फिडेंस में रखना चाह रहे हैं की तरफ से? अभी हम नहीं चाह रहे कि हम अदारे का नाम उस तरह से बताएं जब तक क्लियरेंस नहीं आ जाती। मंडे को इंशाल्लाह हमें क्लियरेंस मिल जाएगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम बात कर सकेंगे। हमें पता चला सर बाकी सिनेमाज में दिखाई जा रही है। देखिए जी, अपनी मर्जी है। क्यों सिनेमाज कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसके ऊपर उसका नाम ख़राब हो। बाकी करना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है, वो कर रहे हैं, उसको प्ले करें। नाज़रीन, आपने जनरल मैनेजर साहब शेख वकास साहब के रिव्यूज़ सुने, ये कभी भी रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक नहीं करते, रूल रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करते, जिसकी वजह से ऑडियंस लाहौर की नहीं पाकिस्तान की पब्लिक इधर आना पसंद करती है। बहुत ही सिक्योर, नीट एंड क्लीन सिनेमा है। अक्सर इसके बारे में मैं रिव्यूज़ दे चुका हूँ। एक दो सवाल और करते हैं, इसके बाद इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। सर, कितनी स्क्रीन्स आपके पास? हमारे पास ये 8 स्क्रीन्स हैं माशाल्लाह से, कोई 1050 बंदे की कैपेसिटी है एक वक्त में देखने के लिए। प्लैटिनम के बारे में थोड़ा सा? प्लैटिनम हमारा प्रीमियम लाउंज है जी, जहाँ पे हमारे पास रिक्लाइनर्स हैं, वो कंपैरेटिवली छोटी स्क्रीन्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्क्रीन्स। उसमें 40 पीपल की कैपेसिटी है, तो 40 बंदे एक वक्त में बैठ के मूवी देख सकते हैं। सर, किड सिनेमा भी आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, किड सिनेमा बिल्कुल हमारे पास है, जिसमें हमने बच्चों के को मूवी के साथ साथ एक प्लेइंग फैसिलिटी भी दी है, जहाँ पे स्लाइड्स हैं, बॉल पूल एरिया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चे एंजॉय करते हैं मूवी देखते हुए भी और मूवी के बाद भी कर सकते हैं। अटेंडेंट अलाउ करते हैं सर? बिल्कुल, अटेंडेंट हर बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स या उसका गार्डियन एक होना चाहिए, वो ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, क्यू सिनेमा को जल्द से जल्द विज़िट कीजिए और क्यू सिनेमा के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।